स्नैक्स कर ले भाई। सॉरी तेरी बिल्डिंग में चार बंदे अभी भी है? मेरी बिल्डिंग में आ रहे इन्फर्नो। आ रुक आ रहा हूँ। क्या मार गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में एक मैच लाए हैं जो काफ़ी इंटेंस होता है, बिकॉज इसमें जो है सिटी सर्कल बन जाता है। तो काफ़ी किस तरीके से हम लोग रोटेशन लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस मैच में। और टीम फाइट्स में कैसे अप्रोच थी मेरी थ्रू आउट द मैच एंड ऑल डैट। तो चिकन डिनर तो नहीं है, बट मेरे को लगा कि ये मैच मुझे पोस्ट करना चाहिए। तो आप लोग मे भी शायद आप लोगों को इससे कुछ आइडिया लगे क्या है कैसे नहीं। और काफ़ी सारे लोग भी बोल रहे थे कि फुल मैचेस डालो, हमें वो ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए एक रीज़न ये भी है कि वाई आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो। तो गाइज, इस मैच में मैं एशियन गेमिंग की टीम के साथ खेल रहा हूँ। एशियन गेमिंग PMCO फाइनलिस्ट है विंटर स्प्लिट 2020 की। तो ये लोग का ड्रॉ जो ड्रॉप है वो है सैन मार्टिन। तो हम लोग सैन मार्टिन के उतरे हैं, हमारे साथ यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो हम लोग अनकंटेस्टेड रहते हैं, हम लोग अपनी लूट पूरी करते हैं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को हमारा रोटेशन हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्यों कैसे रोटेट करते हैं मैं आपको वो समझाता हूँ। तो गाइज़ मैं आप लोगों को जो है तीन चीज़ें बताता हूँ रोटेशन देते हुए जो मैटर करती है। फर्स्ट इज़ योर प्लेन पाथ, सेकेंड इज़ योर ऑफ सेंटर, एंड थर्ड इज़ बेसिकली अ गुड पोजिशन इन द जोन ऑफ सेंटर को देखते हुए एंड बाकी टीम्स को देखते हुए कि वो किधर ड्रॉप करती हैं, किस तरीके से रोटेशन लेती है। तो अब हम लोग जो हैं यहाँ पे इस प्लेन पैथ के अकॉर्डिंग राइट साइड से इसलिए रोटेशन देना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इस प्लेन पैथ का अकॉर्डिंग जो है एक्सट्रीम जो राइट साइड होती है वो जो है मोस्टली एम्प्टी होगी। एम्प्टी इन द सेंस लाइक मैक्सिमम टीम्स का जो है सेकेंडरी ड्रॉप होता है उनके प्लेन पाथ के अकॉर्डिंग। तो वो इतना एक्सट्रीम राइट गाड़ियाँ उठा के एक्सट्रीम राइट जाना प्रेफर नहीं करती रोटेशन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टीम इज़ लाइक प्लेन पाथ के विद इन और उससे ग्लाइडेबल डिस्टेंस और थोड़ा बहुत व्हीकल डिस्टेंस से जो ट्रैवल हो सके वो पॉइंट्स चूज़ करती हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए और लूटने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग जो है राइट साइड से रोटेशन देना इज़ क्वाइट कंफर्टेबल होगा हमारे लिए। एंड एक और फैक्ट था कि हमें पता था कि जो टीम ग्रेवयार्ड पे कूदती है वो टीम भी इस मैच में नहीं थी, तो हमें इस चीज़ का भी एक प्लस पॉइंट था कि ग्रेवयार्ड से हम लोग रोटेशन ले सकते हैं। और जो मैंने फिर आपको सेकंड पॉइंट बताया ऑफ सेंटर से, मेरे को ये बोलना था कि लाइक यू डोंट हैव टू बी एग्जैक्टली इन द डेड मिडिल स्टैक, सेंटर पे नहीं होना है। यू हैव टू बी लाइक 30% 40% इन द सर्कल, सो डैट व्हेन हार्ड शिफ्ट कम्स तो उसमें दो तीन केस हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही आप पे बनता है कंसिडरिंग यू एज द डेड सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर आपसे बहुत थोड़ा बहुत पास बनता है जोन लाइक आप इजीली ले सकते हो, या फिर बिल्कुल ही हार्ड शिफ्ट हो जाता है लाइक कम्प्लीटली आपके अपोजिट साइड बनता है। तो अभी जो है सेंटर का कंसेप्ट रहा नहीं है एनी मोर, इट्स अबाउट मोर अबाउट प्लेइंग फ्रॉम ऑफ सेंटर जिस हिसाब से नया मेटा जोन का चल रहा है। तो एनीवेज एंड लॉस्ट इंडियंस की हम लोग वो पर्टिकुलर हिल इसलिए पकड़ते हैं, एक तो ऑफ सेंटर में भी है और सबसे हाइट वाली पोजिशन उस सर्कल में वो लॉस्ट इंडियंस की हिल होती है। तो वहाँ पे से स्काउटिंग और सब कुछ करना थोड़ा इजी पड़ता है, जोन में हाइट एडवांटेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस, यहाँ पे हमारा एक टीममेट जो है वो रेड जोन से नॉक हो जाता है बेसिकली, तो और उसके पास वाली जो हिल चाहिए थी हमें उस पर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड होती है बंदे होते, तो हम लोग ये वाली हिल पे ही रुकने का डिसाइड करते हैं। और हमारा बंदा जो है ब्लीड आउट हो जाता है, बिकॉज उसको हम नहीं बचा पाते हैं कंसिडरिंग कि वो काफी दो टीम से घिरा होता है उस पॉइंट पे। वही ऊपर हिल से मार रहा हूँ। Marked a location. मत कर क्योंकि अबे क्लियर ही दिख रहा है मेरे को। अब गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि एक सिटी का जोन बनता है, तो ये जोन मोस्ट लाइकली जो है सिटी में ही कहीं अंदर एंड करेगा, ये आपको नहीं पता। लेकिन आप एक सिटी में जो है जिसके लिए फिर आपको अंदर बात के जोन फाइट और उस फाइट वगैरह लेके उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो अब ये हाइट से हमें जहाँ तक के घर विजिबल होते हैं वहाँ तक की हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे ऐसा क्लियर है, इन घर पे बंदे नहीं है। तो हम लोग जो है डिसाइड करते हैं अंदर घर पे रोटेशन लेने का। घर में भी अंदर जो है सिटी में भी हम लोग एक हाइट वाली बिल्डिंग प्रेफर करते हैं, सो डैट हमें नेक्स्ट जोन के लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन है किस तरफ से कैसे बंदे जाएंगे। Watch out!
तो गाइस अब यहाँ पर मेरे को जो है इस बिल्डिंग में एक बंदा स्पॉट होता है। अब मुझे डाउट होता है कि ये बंदा मेरे को ही देख रहा है कि मेरे को नहीं देख रहा है, तो इसलिए मैं एक बार पीछे जाके जो है FVP में स्विच करता हूँ। तो गाइस ये एक छोटी सी ट्रिक है बट बहुत इफेक्टिव है कि आपको कभी भी अगर डाउट हो कि आपके TPP एंगल में आप विजिबल हो बंदे को या नहीं, तो आप हमेशा एक बार FVP में स्विच कर दीजिए। जिस पोजिशन से आपको FVP स्विच में वो बंदा नहीं दिखेगा, उस पोजिशन से वो बंदा आपको नहीं देख सकता है। अरे अब दे उसको, मैं दे रहा हूँ। साले चूतिये 50 बंदे। हील बैटल हो गया, अब और कुछ नहीं। लैग 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 लैग। तेरे पे कितने फर्स्ट एड इन्फर्नो नो पॉइंट पे इस सर्कल में 50 बंदे लाइव थे। जैसे कि आप लोग तो देख सकते हो कि लाइक एक सिटी बैटल सर्कल था, तो मोस्ट ऑफ द टीम जो है सर्वाइव कर पाई और काफ़ी लाइक मेरा फ़ोन इस पॉइंट पे काफ़ी रेंडर कर रहा होता है। एंड यहाँ पे से इट्स लाइक कि 60 FPS से 40-30 FPS वाला गेम पे स्टार्ट हो जाता है। एंजेल के दल्लो ऊपर वाले को भी दे, जॉन अपने सामने ये बिल्डिंग लेता है। चल आ रहा हूं मैं भी। बच गया, सेफ है, रुक उनको देखना तो ठीक है। मैं कर रहा हूँ मत कर। बेंच भाई सेक्सी है चो, फटी फट रहा है। मेरे 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 फोन की फटके हाथ में आ गया अभी तक। कौन सा एक्सर है तेरे पे भी? चुदेगा बेंच चो, इसका फिर से चुदेगा, मत उधर। Watch out! चुदेगा ठीक है, तुम मेरे पे आ जाओ, यहाँ से किल्स ही किल्स मिल जाएंगे तुमको। देख के इसका नोक मत लियो फ्री हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्मोक कर देता हूँ। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको खुद ही अपना डेवलप करना पड़ेगा, लाइक कब स्मोक करना है कब नहीं। ये स्मोक में बेसिकली जो मेरे पीछे रेज है और जो 5-story बिल्डिंग होती है वहाँ से मेरे को शॉट्स ना आए, उन उनसे अवॉइड करने के लिए मैं ये स्मोक करता हूँ। अरे जोन सेक्सी भाई, तेरी बिल्डिंग में 4 बंदा अभी भी है। मेरी बिल्डिंग में आ रहे इन्फर्नो। आ रुक आ रहा हूं क्या मार, हैक्शे कौन करके आ गया? हेलो देख के ऊपर आ जा, ऊपर आ जा थोड़ा। रुक यहां, कुछ नहीं आएगा ऐसे, इसका ऊपर से पड़ेगी देखो रिज से। ठीक है पूछ जा। जी जी लेट कर रहे हो तेरे तरफ, इसका ऊपर रिज से पड़ेगी, इसको छोड़ ऊपर रिज से पड़ेगी। ऊपर रिज 61-65 वाले रिंच से पड़ेगी देख के। 3 सेकंड है ब्रो, अंदर स्मोक डालो, आगे आगे स्मोक डालो एटलीस्ट।
गाइस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको, जो ये सीमेंटी दिख रही है आगे, मैं यहाँ पे इसके लेज का यूज़ करके जंप करके वहाँ पे कूदने वाला था, बट लाइक थोड़ा मिसकैलकुलेशन की वजह से मैं नीचे गिर जाता हूँ और यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है, मैं रॉन्ग साइड पहुँच जाता हूँ जोन के, मेरे को उसके ऊपर से जोन में जाना था बट मैं इस साइड पहुँच जाता हूँ। तो अब यहाँ पे भी लाइक मेरा लैग इतना हो रहा होता है कि मैं यहाँ पे गन स्विच ही नहीं कर पाता हूँ, लाइक गन हाथ पे होल्ड नहीं कर पाता, इवन दो मैं टैप कर रहा होता हूँ बार बार गन पे, बट गन क्लिक ही नहीं होती है और मैं यहाँ पे जोन से मर जाता हूँ। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ आते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी टीम थोड़ा सा सर्वाइव करती है। तो गाइस आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये मैच आपको कैसा लगा।